अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फॉर यू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, तो मज़े में होंगे और मेरा चैनल देख रहे होंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं आज की छोटी सी रेसिपी की तरफ। आज जैसे कि मैं आपको स्ट्रॉबेरी, आपको नज़र आ रही होगी, स्ट्रॉबेरी का मौसम है और रमज़ान भी जो है वो बहुत करीब है। तो रमज़ान में तो हर किसी के घर में जो है वो शरबत वगैरह, जूस वगैरह तैयार होते हैं। तो मैं आज आपको स्ट्रॉबेरी जूस बनाना सिखाऊंगी। तो जी मैं बताती जाऊँ कि सबसे पहले तो ये मैंने एक पाव स्ट्रॉबेरी ले ली है, इसे मैंने फ्रीज़ कर लिया था। अगर आप फ्रीज़ नहीं भी करना चाहते तो ना करें। तो ये मैंने फ्रीज़ की हुई जो है एक पाव मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है। एक इसमें लेमन जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा जितनी मुझे ज़रूरत होगी, और इसमें आधा कप जो है वो मैं चीनी का यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें जामिशीरी जो है वो इसमें यूज़ होगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ये मैंने जूसर वाला जग ले लिया जो हर किसी के घर में मौजूद होता है। इसमें ये मैं सारी सारी स्ट्रॉबेरी है ये शामिल कर दूँगी, और इसमें साथ ही चीनी चली जाएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। मैं एक गिलास तकरीबन इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ, और ये जो लेमन जूस है ये मैं ऐसे करके इसे अच्छे से मैं इसे इसका रस निकाल लूँगी, और ये भी इसमें चला जाएगा। लेमन जूस जो है मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी, सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। साथ ही इसमें ये लेमन जूस ये शामिल कर दूँगी, और इसे एक मिनट के लिए मैं और ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं एक बाउल ले लूँगी, उसमें ये मैं मोटे सुराख वाला लें जिसमें से जूस जो है वो अच्छे से मैं छान लूँगी इसे। तो अब मैं इसमें ये ठंडा यख पानी जो है, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ये पानी, ये मैं तकरीबन 1 लीटर जो है मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने जामी शीरी जो है वो एक प्लेट में ऐसे फैला दी है, और एक प्लेट में जो है मैंने चीनी ये मैंने रख ली है। अब मैं ये गिलास उठाऊंगी, इसमें ऐसे करके बस थोड़ा सा जो है या ऐसे करके इसे मैं पूरे गिलास में ऐसे फैला दूंगी। तो ये देखिए इसमें मैंने फैला दिया है। अब मैं ये ऐसे करके ऐसे करूंगी, और साथ ही ऐसे चीनी में ये मैं ज़बरदस्त सा इसकी सजावट भी करेंगे, ताकि आप भी खुश हों और आपके घर वाले भी जो हैं चीज़ को देख के खुश हों। और साथ ही इसमें ये मैं जूस ये इसमें डाल दूंगी। तो जी ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा स्ट्रॉबेरी जूस रमज़ान स्पेशल तैयार है। आप रमज़ान में बनाएं, इसे बहुत कम टाइम लगता है, आप इसे बनाएं रोज़, आप फ्रेश जूस पिएं ताकि आप भी फ्रेश रहें और आप अच्छे से जो है अपना रमज़ान गुजार सकें। तो प्लीज़ मुझे आप बताएं कि कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, और जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं बहुत जल्द एक नई रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।